वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एंड आज दिन की शुरुआत हो रही है बिना लाइट से, क्योंकि घर में लाइट है नहीं, तो इस वजह से मैं फ़ोन चार्ज करने आया हुआ था बाहर और मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया थोड़ा बहुत जितना हो सकता था। अब पता नहीं लाइट आज भी आएगी या नहीं आएगी, पर ये चेक करो बर्फ़ कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है, तो इस वजह से हमारी लाइट वगैरह सारी गई हुई है। मैं नहा धो के हो गया हूँ फ्रेश और ब्रेकफास्ट भी मेरा हो चुका है। अब मुझे जाना है गाड़ी स्टार्ट करने और करता हूँ गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जाता हूँ रोड की तरफ, कर चुका हूँ गाड़ी के पास और अब करता हूँ गाड़ी स्टार्ट। ये देखो, और मुझे ये छत भी साफ़ करनी पड़ेगी इसकी, और जाता हूँ अंदर बैठता हूँ गाड़ी में, करते हैं गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी आजकल रोज़ गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि बर्फ़ से ठंड बहुत हो जाती है और इसकी बैटरी जम जाती है तो गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है, और जो स्टार्ट नहीं करेंगे तो बर्फ़ जम जाती है अंदर और इसके इंजन की टिक्कियां फट जाती है, जिससे कि बड़ी दिक्कत हो जाती है लास्ट में। तो करता हूँ गाड़ी स्टार्ट और दिखाता हूँ आपको। सुबह यहाँ में ना गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, सारे लोग हर कोई गाड़ी स्टार्ट करता है, सुबह उठ के गाड़ी स्टार्ट करो फिर अपना गाड़ी बोरी साफ करो, क्योंकि बर्फ़ से और पेंट की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और गाड़ी में वो जो दिक्कत होती है वो तो होती है, और ठंड से तो हमारी गाड़ी भी कैसे आवाज़ कर रही है अभी। और अब नेक्स्ट मुझे करना है अपना गाड़ी का छत साफ, फिर देखता हूँ कहीं अगर जाने का प्लान बनेगा तो चलेंगे कहीं, अदरवाइज़ अगर गाड़ी ना जाए तो फिर घर पे ही कुछ करेंगे यार। गाइस, तो मैंने ये लाया बर्फ़ साफ़ करने के लिए और इससे करूँगा मैं अपनी गाड़ी की छत साफ। है साफ, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखो, ऐसी शानदार चमका दी है हमने, बस सफाई करने को रहेगी, एक दिन वॉशिंग करवानी है, बस वो हो जाएगा और गाड़ी ओके हो जाएगी। ये है पहाड़ों की लाइफ, ये बेड़ियाँ चुगानी पड़ती है चाहे जितनी मर्जी बर्फ़ लगी हो, इनके लिए पत्तियाँ भी काटनी पड़ती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लानी पड़ेगी आपको इनके लिए पत्तियाँ। ये देखो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, जैसे ये बड़े बड़े ये वाला पेड़ है ना जो सामने, इसको पूरा काटना पड़ता है इनके लिए आजकल, चाहे मौसम साफ हो चाहे ख़राब हो, जैसा मर्जी हो बर्फ़ लगी हो, इनके लिए काटना ही पड़ता है हम लोगों को। ये देखो, ये बेड़ियों के लिए ऐसे पत्तियाँ काटनी पड़ती है इतनी हाइट में चढ़ के, ये देखो, और इतना बड़ा पेड़ होता है गाइस, नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है और ऐसे काट के। देखो गाइस, ये होती है बेड़ियाँ रुकी हुई यहाँ पे, और थोड़ी देर में जैसे ये पत्तियाँ कट जाएगी फिर ये जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इनके लिए काटा हुआ है पत्तियाँ, और ये इनको खाएगी फिर इन्हें ले जाएंगे घर। तो मेरा लंच हो गया है कंप्लीट और अब मुझे थोड़ा सा काम मिल गया करने को, ये है काम मेरा, मुझे दी है बर्फ़ साफ़ करने को और मुझे ये सारी कंप्लीट करनी है। यहाँ से सारी नहीं करूँगा मैं, थोड़ी बहुत करूँगा जितनी मुझसे हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर सूखा हो जाएगा ना ये, अभी नहीं तो कीचड़ बनता रहेगा, मेरे रूम के लिए भी कीचड़ जाएगा, तो मैं इसको साफ़ करता हूँ फिर अपने काम से फ्री हो जाता हूँ। कंप्लीट और मैं हो गया हूँ फ्री, अब बनाएंगे हम बर्फ़ थोड़ी देर में, तो दिखाता हूँ मैं कैसे बनाते हैं बर्फ़। ये देखो गाइस, सबसे पहले आपको बर्फ़ लेनी है, अगर आप चीनी खाते हो तो चीनी डालनी है, अगर नमक डालोगे तो नमक डाल देना अगर नमक खाते हो तो। तो हमने तो चीनी ली हुई है, इसमें चीनी डाल दी हमने, मिक्स कर दी है, और यहाँ बन रही है चुलोल। ये होता है गाइस, एक फ्रूट होता है चिल्लू, चिल्लू का फ्रूट होता है ना,
तो उसको सुखा के बनता है ये ऐसे, फिर उसे कूट के इकट्ठे ऐसे रोटी की तरह बनाते, फिर डाल देते उसको बर्फ, ऐसे पानी में भिगाएंगे अभी, फिर डालेंगे इस बर्फ़ में, फिर बन जाएगा ये, खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें, फिर हम इसे। सर्दियों में ना पहाड़ों में इतना ही काम होता है, जब बर्फ़ पड़ जाती है और बड़े इंतज़ार करते हैं लोग यहाँ पे कि बर्फ़ पड़ जाए, और काफ़ी दिन तक कोई काम नहीं होता है, सब कुछ बंद रहता है, क्योंकि मतलब बर्फ़ पड़ने से बेले हो जाते हैं ना लोग, फिर खाना खाते हैं बैठे रहते हैं, धूप सेकते हैं पूरा दिन और बर्फ़ बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने बनाई है अभी। तो दिखाता हूँ मैं कैसे बनती है, और उसके बाद का प्रोसेस भी आपको बताएंगे क्या क्या करेंगे हम लोग। गाइस, तो हम लोगों ने बर्फ़ ले ली है थाली में, और इसमें चीनी भी अच्छे से मिक्स कर दी है, और इसमें की हमने चुनौर मिक्स, जो कि खट्टा पानी है, ऐसा काढ़े की तरह लगता है, तो इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले तो चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसको ये डालूँ और ये डाल देंगे इसमें, ये कुछ इसका फ्लेवर ऐसा आ गया, बर्फ़ का कलर भी चेंज होने लग गया है। और गाइस, इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार खट्टी सी खुशबू है। ये देखो गाइस, ये हमारी बर्फ तैयार है, अब हम इसे खाएंगे। ये मैंने निकाल दी है ग्लास में, और अब टेस्ट कर लेते हैं। शानदार बर्फ बनी हुई है। हे गाइस, तो हम लोग बर्फ खाने के बाद हम लोग आ गए अब धूप सेकने, और अब थोड़ी देर धूप सेकेंगे, फिर निकलेंगे घर को। अभी आप चेक कर रहे हैं, शानदार व्यू है। और आ गया हूँ अपने रूम पे सोने के लिए, हमारे पास लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैं आधे से आगे शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं थी, तो इस वजह से इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।